बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वी आर स्टडीइंग न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स एंड वी आर रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर ओ लेवल। इन टुडेज लेसन वी विल स्टडी मेंस्ट्रुएशन। दिस इज एट नंबर 35 ऑफ योर सीआईई सिलेबस एंड दिस सिलेबस इज कवर्ड इन बुक 1 चैप्टर नंबर 13-14, बुक 2 चैप्टर नंबर 12 एंड बुक 3 चैप्टर नंबर 10। ये वाला चैप्टर बेटे, इसमें फॉर्मूलाज है, डेफिनेशंस है और फॉर्मूलाज। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होनी चाहिए लेकिन उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये शेप कौन सी है और इसका फॉर्मूला क्या है और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, उसको अप्लाई करना याद हो जाएगा, तो फिर आप इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो अब इस फर्स्ट लेसन में हम इसके फॉर्मूलाज और कुछ टर्म्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर 35, क्योंकि हमारा जूम का टाइम 35 मिनट, जूम का टाइम खत्म हो जाता है, तो हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और दोबारा से लेसन को स्टार्ट करेंगे और उस लेसन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। What is menstruation? Menstruation is the branch of mathematics which studies the measurement of geometric figures and their parameters like length, volume, shape, surface area, lateral surface area, etc. तो वो branch of mathematics जिसमें geometrical figures के बारे में study किया जाता है, उसकी length, volume, shape, ये सारा कुछ हम इसमें calculate करते हैं। ये प्लेन शेप्स भी होती है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल शेप्स भी होती हैं। टू डायमेंशनल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल वगैरह होते हैं और थ्री डायमेंशन में कोन, पिरामिड, सिलेंडर, इटसी, ये होती है। नाउ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन में यूज होती हैं, उनमें एरिया है। बिफोर वी मूव अहेड टू लिस्ट द इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूलाज, वी नीड टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दीज मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूलाज। उसमें एरिया है, एरिया आपको पता है एरिया क्या होता है, दिस सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द गिवन क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट ए एंड इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, मीटर स्केयर, सेंटीमीटर स्केयर, मिलीमीटर स्केयर, किलोमीटर स्केयर, ईटीसी। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर इज द लेंथ। इसको जेहन में रखना है, मतलब डेफिनेशंस को, इन डेफिनेशंस को माइंड में होंगी तो इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पैरीमीटर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरीमीटर, मतलब वो जिसका पैरीमीटर निकालना है एक कॉर्नर से शुरू हो और उसके गर्द पूरा घूम जाए, एक पूरा चक्कर लगाने से जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सारी साइड्स को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसका पैरीमीटर होगा। अगर तो वो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो उनकी लेंथ, अगर वो कर्व है तो फिर उसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इन अदर वर्ड इट इज द कंटीन्यूअस लाइन अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द क्लोज फिगर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट पी। तो पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो सिंपल सेंटीमीटर और मीटर होता है। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम होता क्या, इट इज द स्पेस। देखिए एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस ये है कि एरिया जो है वो सरफेस की ऑक्यूपाई जो करता है और ये स्पेस में जो एरिया कवर करता है, स्पेस दैट इज कंटेन इन थ्री डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये रूम जिसमें आप बैठे हो ये क्यूबॉइड या क्यूब की शेप का है, लेकिन इसके अंदर ये जितनी भी स्पेस है दैट इज द वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स इट इज एक्चुअली द स्पेस दैट इज इनक्लोज्ड इन 3D फिगर। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी एंड इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। सो दीज आर थ्री टर्म्स, देर आर मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड। कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया सिंपल एरिया प्लेन पे, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे आपका ग्लास है, उस जहां से आप उसको पकड़ते हो दैट इज कर्व्ड, कोन है, कोन की कर्व्ड जिस जहां से आप पकड़ते हो दैट इज द कर्व्ड सरफेस। स्फीयर जो है आपका, बॉल जो होती है उसकी जो ऊपर वाली सरफेस जो है दैट इज कर्व्ड सरफेस। इन सॉलिड शेप्स वेयर देयर इज अ कर्व्ड सरफेस लाइक अ स्फीयर और सिलेंडर,
द टोटल एरिया ऑफ दीज कर्व्ड सर्फेसेस इज द कर्व्ड सर्फेस एरिया. द एब्रिविएशन फॉर दिस इज सी एस ए. यू कैन राइट सी एस ए, कर्व्ड सर्फेस एरिया. एंड इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर स्क्वेयर और सेंटीमीटर स्क्वेयर. लेटरल सर्फेस एरिया, एल एस ए इसको कहते हैं. लेटरल सर्फेस एरिया जो है वो क्या होगा, द टोटल एरिया ऑफ ऑल द लेटरल सर्फेसेस ऑफ अ गिवन फिगर इज कॉल्ड इट्स लेटरल सर्फेस एरिया. लेटरल सर्फेसेस आर दोज सर्फेसेस दैट सराउंड द ऑब्जेक्ट. द एब्रिविएशन फॉर दिस इज एल एस ए. और ये भी चूंकि एरिया है तो इसलिए इसको भी मीटर स्क्वेयर और सेंटीमीटर स्क्वेयर में. अब देखिए ये लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है, आगे जब डायग्राम्स आएंगे तो वहां से भी ये एक्सप्लेन करेंगे. आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर में देखिए कितनी सर्फेसेस होती हैं सिलेंडर की. अगर वो सॉलिड है दो उसकी सर्कुलर सर्फेसेस होती है, एक ऊपर और एक नीचे, और तीसरी जो सर्फेस है जो कर्व सर्फेस है उसको भी लेटरल सर्फेस कहते हैं. या पिरामिड है, अगर पिरामिड है तो पिरामिड में उसकी बेस अगर स्क्वेयर है या रेक्टेंगल है तो हर साइड के ऊपर ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, तो वो जो ट्राइंगुलर फेसेस हैं दे आर कॉल्ड लेटरल सर्फेसेस. टोटल सर्फेस एरिया उस सॉलिड की जितनी भी सर्फेसेस हैं, जितनी भी सर्फेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं, उन सारे सब के एरियाज को ऐड करें तो दैट इज कॉल्ड टोटल सर्फेस एरिया. द सम ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस इन अ क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड इट्स टोटल सर्फेस एरिया. जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड व्हेन वी ऐड द एरिया ऑफ ऑल द सिक्स सर्फेसेस वी गेट इट्स टोटल सर्फेस एरिया. इसी तरह जो भी सॉलिड होगा उसके जितने भी सर्फेसेस हैं उन सब की सर्फेसेस के एरिया को ऐड करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड टोटल सर्फेस एरिया. उसमें कर्व सर्फेस भी हो सकती है, उसमें लेटरल सर्फेसेस भी हो सकती हैं. तो कर्व सर्फेसेस, लेटरल सर्फेसेस या प्लेन सर्फेसेस के एरिया को ऐड करने से टोटल सर्फेस एरिया आएगा. स्क्वेयर यूनिट ये भी आपने पढ़ लिया. वन स्क्वेयर यूनिट इज एक्चुअली द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ स्क्वेयर ऑफ साइड वन यूनिट. अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वन यूनिट हो, वन सेंटीमीटर हो, वन मीटर हो, वन किलोमीटर हो, तो वो जो एरिया कवर करता है दैट इज कॉल्ड स्क्वेयर यूनिट. सिमिलरली क्यूबिक यूनिट, वन क्यूबिक यूनिट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब ऑफ साइड वन यूनिट. When we measure the volume of any figure, we actually refer to this cube of side one unit. So cube unit or square unit इसी तरह है. So these are some more terms which we will use in mensuration. Now important formulas. इसको बेटे आपने बड़ी ध्यान से देखना है, फॉर्मूला को समझना भी है कि उसको कैसे अप्लाई करना है और उसका फॉर्मूला आपने मेमोराइज भी करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको आते होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. पेपर में सिर्फ जो कोन, स्फीयर और पिरामिड के फॉर्मूलाज आपको दिए हुए होते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ होगा, तो वो आपको याद ही करना पड़ेंगे. So these are different two-dimensional shapes. Triangle है, अगर कोई भी triangle है उस triangle का perimeter अगर आपने find out करना है तो फिर a plus b plus c आ जाएगा. तीनों साइडों को add कर देंगे. अब ये तीनों साइडें आपको दी हुई होंगी तो उन तीनों को add कर दोगे, या अगर कोई साइड मिसिंग है तो वो साइड आप पहले फाइंड आउट करोगे. अब ये पैथागोरस थ्योरम यूज करके भी फाइंड आउट की जा सकती है और ये ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके भी फाइंड आउट की जा सकती है. ट्रिग्नोमेट्री हम नेक्स्ट से नेक्स्ट लेसन जो होगा उसमें पढ़ेंगे. तो पैरामीटर फाइंड करने का मतलब है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द पैरामीटर. एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यू नो इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो फिर हम 1/2 बेस इंटू हाइट. ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड होगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का, वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर मेंसुरेशन के अलावा जो दो साइड्स हैं वो आपकी
हाइट और बेस होगी। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर या तो आप वो हाइट पहले फाइंड आउट करोगे या फिर वो आपको गिवन होगी, तो वो आप यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल ऐसी है जिसकी तीनों साइडें इक्वल है तो फिर उसका पेरीमीटर तो वही है कि तीनों साइडों को ऐड कर देंगे। चूंकि तीनों साइड सेम है इसलिए उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें एक साइड की मेजरमेंट को, तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। और इसका एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला ये है, स्केयर रूट ऑफ 3 ओवर 4 इंटू ए स्केयर। एक साइड की जो लेंथ है उसका स्केयर ले लेंगे और उसे स्केयर रूट ऑफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट दी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका पैरामीटर तो ये आ जाएगा, यानी a प्लस b होगा ना, तीन साइड है तो तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे, क्योंकि दो साइड्स एक कैसी है तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज वही दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, b उसकी बेस लेंथ है और a जो है वो इक्वल साइड लेंथ है, b बेस लेंथ है। ये जो एंगल्स हैं इनको बेस एंगल्स कहते हैं, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको बेस एंगल्स कहते हैं। और ये जो थर्ड एंगल है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। और इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो फिर इसका फॉर्मूला ये है आइसोसेलस ट्राइंगल का। अदरवाइज आप पहले ये हाइट फाइंड आउट कर लो, अगर ये दो साइड्स आपको दी हुई है, ये साइड दी हुई है, तो यहां से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को वो बाइसेक्ट करेगा, फिर पैथागोरस थ्योरम या आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसकी हाइट फाइंड आउट कर लोगे। अदरवाइज फिर डायरेक्ट अगर तीन साइड्स दी हुई है आइसोसेलस ट्राइंगल की तो फिर इसका फॉर्मूला ये है एरिया का, देन स्क्वायर। आपको पता है ए फोर साइडेड फिगर जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, इसकी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, इट इज पी इज इक्वल टू 4a। तो अब देखें अगर पैरामीटर दिया हुआ है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है एक साइड की, तो फिर क्या करेंगे, उस पैरामीटर को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो इस फॉर्मूला को ही यूज करके पैरामीटर गिवन है तो लेंथ ऑफ साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, यानी जो साइड है उसका स्क्वायर ले लेंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके डायगोनल की लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है तो ये डायगोनल की लेंथ है कि ये डायगोनल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पैथागोरस थ्योरम यूज होगा और ये होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। और इसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पहले से पता है। पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता और उसमें एक हाइट दी हुई होती है, तो इसका पैरामीटर वही होगा रेक्टेंगल का, क्योंकि दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ 2 टाइम्स लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ सॉरी। और इसके डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a, दिस वन या ये वाली। और इसका एरिया बेस इनटू हाइट, देखिए दो साइडें जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं उनमें से पैरेललोग्राम की अपनी जो साइड है, ये देखें ये चार साइडें हैं, इनमें से पैरेललोग्राम की जो अपनी साइड है इस केस में ये वाली साइड, इसकी लेंथ और इसके साथ जो दूसरी साइड 90 का एंगल बना रही है वो इसकी हाइट होगी। सो a इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट जो है वो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम, अगर शेप ऐसी है फोर साइडेड फिगर को ही ट्रेपेजियम कहते हैं, लेकिन उसमें टू साइड्स पैरेलल होती हैं, टू पैरेलल साइड्स और दो जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो उसको आइसोसेलस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला वही, इसकी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। और इसका एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट ऑफ द पैरामीटर, ये हाइट है।
और सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड कर देंगे। सो इट इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। काइट है, काइट में फोर साइडेड फिगर, अगेन दो साइड्स, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हैं, दो साइड्स बड़ी दो साइड छोटी, छोटी साइड्स इक्वल और बड़ी साइड्स इक्वल है। इसमें भी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, और इसका एरिया का निकालना है अगर काइट का एरिया, तो दिस इज 1/2 डी मल्टीप्लाई बाय डी। डी मीन कैपिटल डायमीटर, ये वाला कैपिटल डायमीटर, ये वाला इसकी लेंथ अगर आपको पता है, और स्मॉल डी का मतलब है इसका स्मॉल स्मॉलर डायमीटर, ये वाला डायमीटर। इन दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ काइट आ जाएगा, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू ए बी साइन सी, जो भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ये हम पढ़ेंगे। जो एडजेसेंट साइड्स, अगर आपको दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल अगर आपको दिया हुआ है, तो फिर आप साइन का फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे। रोम्बस है, रोम्बस में फोर साइड्स इक्वल और कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो इसका पेरीमीटर भी 4a आएगा और इसका एरिया भी 1/2 कैपिटल डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डायमीटर। तो ये चूंकि सेम ही होने हैं, तो इसलिए इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हाफ लेंगे, तो इट विल गिव यू एरिया ऑफ रोम्बस। पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ईटीसी, फोर साइडेड, फाइव साइडेड, सिक्स साइडेड, सेवन साइडेड, एट साइडेड पॉलीगोन है, तो उसका पेरीमीटर अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो फाइव साइडेड का 5a, सिक्स साइडेड का 6a, और ये आ जाएगा, यानी पांचों साइड्स की जो लेंथ है उसको ऐड कर दें। अगर इक्वल लेंथ है तो एक लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 है तो 6 को एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका एरिया 1/2 पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड। पी इज इक्वल टू एन एस, पी पैरामीटर कैसे निकालना है इसका, एन नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एन, और एक साइड की लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए जो है वो इसकी हाइट के इक्वल होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सी इज इक्वल टू 2πr और ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सिमिलरली सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, उसका सर्कमफ्रेंस पाई आर और पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में देखें टोटल डिस्टेंस हमने कहा था कि इसका फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ये है, ये कर्व है जो कि सेमी सर्कल है, और ये इसका रेडियस प्लस ये इसका रेडियस, तो टू टाइम्स रेडियस और ये इसका सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कल के हाफ का, तो कर्व सरफेस कर्व लेंथ पाई आर प्लस 2r, तो सारी बाउंड्री जो है इस सेमी सर्कल की वो इसका पेरीमीटर होगा। सर्कमफेरेंस पाई आर और पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r होगा, और एरिया उसी तरह 1/2 पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। और क्वाड्रेंट जो है वो इस सर्कल का 1/4 होता है, तो इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 1/2 पाई आर आ जाएगा और एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट के पेरीमीटर में ये सर्कमफ्रेंस और प्लस 2 टाइम्स रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, ये क्वाड्रेंट है ना ये वाला, तो इस ये सर्कमफ्रेंस सर्कल के 1/4 का सर्कमफ्रेंस जो है वो 1/2 पाई आर है, और ये रेडियस भी इसमें ऐड करना है और ये रेडियस भी इसमें ऐड करना है, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर टू डायमेंशनल फिगर्स। तो ये आपको पहले से पता भी है और इसको अप्लाई करना भी हमने सीखना है। देर आर सम मोर टू डायमेंशनल फिगर्स। सेक्टर है, सेक्टर भी आपने पढ़ा था आपके टेस्ट व्यू वर्स में, कि सर्कल का एक पार्ट जो आर्क और दो रेडियस से बाउंडेड होता है, ये वाला सेक्टर है माइनर सेक्टर, और ये वाला सेक्टर है लार्जर सेक्टर, मेजर सेक्टर।
सेक्टर का पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर प्लस टू आर, ये लेंथ ऑफ आर्क ये हम फाइंड करते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क किस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय 2r, 2 पाई r। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करके ये दो रेडियस जो है वो उसमें ऐड कर देंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी, तो लेंथ प्लस 2r पेरीमीटर, और सिर्फ आर्क लेंथ जो है वो दैट इज थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। एंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर। ये थीटा जो है वो जिस सेक्टर का आपने एरिया फाइंड करना है उसी सेक्टर में जो एंगल है वो आपने यूज करना है। अगर मेजर सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है और आपको माइनर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है तो 360 में से आपने ये वाला माइनर सेक्टर का एंगल माइनस कर देना है तो आपके पास मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। और अगर मेजर आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है या मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फिर वो वाला एंगल यूज करें। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाई द आर्क एंड कॉर्ड। ये कॉर्ड है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है लेकिन सेंटर में से पास नहीं करता, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट है। दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज मेजर सेगमेंट। तो इसका पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो ये लेंथ आर्क लेंथ यानी ये वाली, और इसकी लेंथ जो है वो 2r sin थीटा बाई 2 हो जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री जब आएगी तो उसमें हम इसको यूज कर लेंगे, और लेंथ जो है वो थीटा ओवर 360 बाय 2 पाई आर से हम फाइंड आउट करेंगे। और इसका एरिया इज दिस पाई थीटा आर स्क्वायर ओवर 360 माइनस 1 ओवर 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। ये यहां पे सेक्टर बनेगा, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये ट्राइंगल का एरिया है, ये उस सेक्टर का एरिया है, तो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। रिंग है, देखिए दो रिंग्स, दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल एक स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल के रेडियस को आर कैपिटल आर और स्मॉल सर्कल के एरिया को स्मॉल आर हमने यूज किया है। तो इसका पेरीमीटर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये देखिए पेरीमीटर होता है शेडेड पार्ट के गिर्द जो लेंथ है। एक बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और एक छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो इस रिंग का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस और छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देंगे। और इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई कॉमन निकाल के हमने कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ले लिया। सो दीज आर दी टू डायमेंशनल फिगर्स। अब थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स हैं, उनको जरा देखिएगा। क्यूब का आपको पता है, क्यूब क्या होती है, फोर साइडेड फिगर होती है क्यूब। दिस वन ये क्यूब है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये बेस है और ये जो चार साइडें हैं इसकी, इसको लेटरल सरफेस कहते हैं। तो 4a स्क्वायर, इसकी जो आपका जो रूम है उसकी वॉल्स जो है वो दैट दे आर लेटरल सरफेसेस, तो उनका एरिया 4r स्क्वायर, और इसकी जो टॉप है छत और जमीन फर्श का जो एरिया है उसको बेस कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3a, इसकी जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है फॉर्मूला। और क्यूब का वॉल्यूम जो है वो दैट इज a क्यूब, एक एज का जो लेंथ है उसका क्यूब ले लेंगे। एंड क्यूबॉइड इज अ सिक्स फेसेस्ड फिगर, जिसके सारे फेसेस जो है वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये अगेन आपका ये जो आपकी दीवारें हैं दे आर लेटरल सरफेसेस, तो इनका एरिया लेटरल सरफेस एरिया 2h इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2h इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये देखिए ये इसका पेरीमीटर, ये लेंथ प्लस ब्रेथ और 2h इसके साथ, h इसकी ये जो तीसरी साइड है वो इसकी हाइट हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब अगर ये क्लोज्ड है, अगर ऊपर से ओपन है तो फिर लेंथ और इस वाली साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और इसका वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ही होता है। और लेंथ ऑफ डायगोनल अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, तो ये भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, ये वाला पिरामिड है। अब ये पिरामिड इसकी बेस जो है वो स्केयर भी हो सकती है और ये
रेक्टेंगल भी हो सकती है, ये पेंटागॉन भी हो सकती है, हेक्सागॉन भी हो सकती है। तो जो इसकी बेस होगी उस नाम का ये पैरामिड होगा, स्क्वेयर पैरामिड, रेक्टेंगुलर पैरामिड या पेंटागोनल पैरामिड जो है ये हो सकता है। तो इसका लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस का मतलब है ये जो इसकी चारों ट्राइंगुलर फेसेस है उनका एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इज 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लांट हाइट। ये बेस है इसका पैरामीटर, इसकी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे और ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है, ये पैरामिड की हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये एरिया ऑफ द बेस, इसका वॉल्यूम है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस जो भी है, अगर इसकी बेस ट्राइंगल है पिरामिड की तो ट्राइंगल का एरिया, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर का एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, पेंटागॉन है तो पेंटागॉन का एरिया। प्रिज्म, अब प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो पैरेलल फेसेस होते हैं, दो पैरेलल फेसेस होंगे। ये देखो, ये इधर एक रेक्टेंगल है, इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो दूसरी रेक्टेंगल है, इधर ये वाली रेक्टेंगल है और इसके बिल्कुल पैरेलल ये वाली रेक्टेंगल है, इधर ये वाला इसका स्क्वेयर है, इसके बिल्कुल पैरेलल इधर एक स्क्वेयर है, या ये वाली रेक्टेंगल है और इसके पैरेलल बिल्कुल एक ये वाली। दो ऐसी शेप उस सॉलिड में जो पैरेलल होगी उसको प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म का आपने लैटरल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो भी इसका बेस है इसका इसका पेरीमीटर और इसको प्रिज्म की हाइट से, ये जो पैरेलल फेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस लाइन इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो इसका जो बेस है उसका पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे, जितनी साइड्स हैं उन सबको ऐड करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ प्रिज्म से, तो ये इसका लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा पी इंटू एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 times बेस एरिया, ये जो एक रेक्टेंगल है ये चूंकि दो सेम टाइप के रेक्टेंगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस एरिया को, और इसमें आप लैटरल सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। और इसका वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ होगा। कोन आपको पता है, कोन इज दिस सॉलिड, इसमें ये वाली जो साइड्स हैं इनको स्लांट हाइट्स कहते हैं, ये कोन की हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका बेस एरिया ये जो सर्कल सर्कुलर है इसको बेस कहते हैं, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये देखें, ये राइट एंगल बनती है हाइट, इसका रेडियस और ये स्लांट हाइट, इन तीनों में से कोई सी एक मिसिंग हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। और कोन का वॉल्यूम है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर ये शेप है, इसमें भी ये दो सर्कुलर फेसेस हैं और ये कर्व सरफेस है। तो अगर ओपन होगा तो इसकी सिर्फ बेस आएगी और कर्व सरफेस का एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh और बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया को ऐड कर देंगे तो ये क्लोज्ड होगा, लेकिन अगर ये ओपन सिलेंडर है तो फिर क्या होगा, 2πRh प्लस 2πRh प्लस, ये ओपन सिलेंडर के लिए ये वाला यूज करेंगे। ओपन सिलेंडर में क्या होता है, ये एक कर्व सरफेस ये वाली और दूसरी कर्व सरफेस इसके अंदर है और तीसरी ये इसकी बेस है। और इसका जो हॉलो सिलेंडर अगर है तो फिर क्या होगा, इसका बेस एरिया जो वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा। इनर ये जो हॉलो सिलेंडर है उसमें क्या होगा, 2πRh 2π, ये यानी हॉलो सिलेंडर ये होता है बेटे, ये अंदर से खाली है, ये इसकी थिकनेस है और ये इसकी हाइट है। तो 2πRh प्लस 2πRh प्लस पाई आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ये रिंग बन जाती है ना ऊपर इसकी बेस एरिया। स्फीयर इज दिस सॉलिड, बॉल टाइप को स्फीयर कहते हैं, इसकी कर्व सरफेस 4πR स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा
और इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। अगर ये हॉलो है अंदर से तो फिर 4/3 πr³ - r² हो जाएगा मटेरियल अगर आपने यूज करना है। और हेमिस्फीयर आपको पता है कि ये इसका हाफ होता है, इसका हाफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 πr² हेमिस्फीयर का, जो स्फीयर का एरिया है उसका हाफ हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 πr है, और ये जो इसका ऊपर सर्कल बनता है सॉलिड अगर होगा तो ये भी काउंट होगा, तो πr² तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो सॉलिड हेमिस्फीयर अगर होगा तो 3 πr² हो जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया अगर ये हॉलो है तो फिर इनर सरफेस एरिया 2 πr² और आउटर सरफेस एरिया 2 πr³। यहां पे एक बनेगा सर्कल और इसका एरिया जो है वो फिर रिंग का एरिया आएगा, और इसका वॉल्यूम है 2/3 πr³ जो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ है। फॉर्मूलाज में अगर स्फीयर का क्वेश्चन है तो आपको स्फीयर का फॉर्मूला दिया हुआ होगा, लेकिन अगर हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है तो भी आपको स्फीयर का फॉर्मूला दिया हुआ होगा, उसके कर्व सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम का। लेकिन जब आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो यही वाला फॉर्मूला नहीं करना, इस फॉर्मूला का हाफ लेके आपने उसको यूज करना है अगर हेमिस्फीयर आपको फाइंड आउट करने को कहा हुआ है तो। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज ऑफ सॉलिड एंड टू डायमेंशनल फिगर्स। तो इनमें ये फॉर्मूलाज आपको पहले से भी पता थे, इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब से 10 मिनट के बाद, 7 मिनट हुए तो 20 मिनट्स पे, 10:20 पे बेटे दोबारा मैं आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी 3 मिनट्स रह गए, तो 3 मिनट्स में अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होने। इसके बाद नेट्स हैं, इन सॉलिड्स के नेट्स जो हमने करने हैं, ये फिर नेक्स्ट लेसन में ही करेंगे इनको, नेट्स को, जो डिफरेंट सॉलिड्स के नेट्स हैं, जो हम नेक्स्ट लेसन में इनको डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एट 10:20 दोबारा फिर बेटे ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। 10:20 पे बेटे दोबारा।